कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में कहा कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की लड़ाई जारी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि संविधान में लिखा है कि इंडिया जो भारत है दोनों नाम में कोई समस्या नहीं है और दोनों पूर्णतः स्वीकार हैं, लेकिन सरकार अजीब तरीके से काम कर रही है क्योंकि उसे विपक्षी दलों के गठबंधन से चिढ़ है। कोविड 19 महामारी की बुरी यादें अभी तक भी फीकी नहीं पड़ी है। दुनिया भर में इस महामारी ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जाने गई। अब शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह वायरस हिरणों को भी बीमार कर रहा है। अमेरिका में कोविड 19 पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां के सफेद पूंछ वाले हिरणों में कोविड 19 पाया जा रहा है और यह इन्हें इंसानों से ही मिला है। पूर्व विशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक और प्रकरण दर्ज कर लिया। फर्जीवाड़ा कर शैक्षणिक संस्था के नाम पर मिली लीज की जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली थी। जमीन का बाजार मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए है। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक दर्जन बियर बार पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की, जहां नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक डीजे की धुन पर शराब पार्टी कर रहे युवक युवतियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आबकारी विभाग ने 62 से ज्यादा प्रकरण बनाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रही है। यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा में अब रावण की एंट्री भी हो चुकी है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए सीएम ने महाकालेश्वर को धन्यवाद दिया। मंदिर में उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। करीब वे 1 घंटे तक महाकाल मंदिर में पूजन अभिषेक कर महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के वकील ने लीगल नोटिस भेजा है। 3 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया। ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने उन्हें नोटिस भेजा है। उन्होंने india.gathbandhan के लोगों में अशोक चक्र के इस्तेमाल पर नोटिस दिया है। 3 दिन में नोटिस पर जवाब मांगा गया। नोटिस में अशोक चक्र को हटाने के लिए कहा गया। अशोक चक्र नहीं हटाने पर वकील तोमर न्यायालय की शरण में जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाई वोल्टेज मुकाबले में जुबानी जंग भी देखने को मिल जाती है। हालांकि मैदान के बाहर दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच दोस्ती भी देखने को मिलती है। मैच के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने मैदान की राय वर्ली भूलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज से मिले और उन्हें तोहफा भी दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जश्न की गूंज अभी भी गूंजती है क्योंकि सुभाष घई और रेडियो नशा ने एक भव्य स्क्रीनिंग के साथ खलनायक की 30वीं वर्षगांठ को गर्व से मनाया है। सितारों से सजे इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की प्रतिभाएं भी शामिल हुई, जो सुभाष घई की उत्कृष्ट कृति का सम्मान करने के लिए समारोह में शामिल हुई। और हाल ही में करीना कपूर एक इवेंट में पहुंची, जहां करीना कपूर ने सबसे पहले दिया जलाया। उसके बाद फिर एक्ट्रेस ने सभी लोगों के साथ राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वह सावधान की पोजीशन में नहीं खड़ी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक्ट्रेस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। राष्ट्रगान के दौरान उनका हिलना और हाथों में हाथ डालकर खड़े होना लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए लोग अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।